नमस्कार दोस्तों दोस्तों 2005 में कानून आया था द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, जिस कानून के तहत पीड़ित महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं अक्सर अपने ससुराल पक्ष और हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करती हैं। लेकिन कई बार ऐसी भी घटनाएं होती हैं जिसमें पीड़ित पक्ष वाइफ ना होकर के हस्बैंड लड़का होता है और उसके घर वाले होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक मामला मेरे पास आया जिसमें लड़के ने मुझे बताया कि मेरी वाइफ अक्सर छोटे छोटे मामलों को लेकर के मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती रहती है, गाली गलौज करती है, मेरी बिना सहमति के मुझे बिना बताए मेरी जेब से पैसे निकाल लेती है और मेरे पेरेंट्स को मेरे साथ में रहने नहीं देती है, बात बात पर उनकी बेइज्जती करती है, उनकी इंसल्ट करती है। एक दिन जब मैं ऑफिस से आया, घर आया, तो उसने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, गाली गलौज शुरू कर दी। इतने पर भी जब मैं चुप रहा तो उसने मेरे साथ मारपीट, हाथापाई शुरू कर दी और जब मैंने उसको जवाब दिया वापस तो उसने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया। पुलिस मुझे थाने लेकर गई, पूरी रात मुझे थाने में बैठा के रखा गया और अगले दिन दोपहर बाद 151 CRPC में मेरा चालान कर दिया गया। मेरे पास वकील और जमानती न होने की वजह से मुझे जेल भेज दिया गया। इन सब के बावजूद भी मेरी वाइफ और मेरे सास ससुर मेरे ही खरीदे हुए मकान में आराम से रहते चले आ रहे हैं।